ट्रांजेक्शन के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं पीरियड एंड। अब 30 ट्रांजेक्शन के बाद जब हमने इसको क्लोज किया, सारे लेजर बना लिया, तो एंड पे ये भी तो देखना है कि लेजर्स का बैलेंस क्या है। ठीक है, क्या हमारे पास सपोज कैश का बैलेंस क्या है, कैश कितना अवेलेबल है, कैपिटल आपका कितना लगा चुके हैं, आपके पास एसेट्स कितने हैं, फर्नीचर वगैरह जो भी इस पे यूज हुए हैं, एक्सपेंसेस कौन कौन से इनकर किए हैं और कितने कितने इसके एक्सपेंसेस हुए हैं, उन सबको बैलेंस करना है। जब आपने लेजर्स बनाए हैं तो लेजर्स में कुछ लेजर ऐसे थे जो काफी बड़े थे, ज्यादा लाइक कैश, ठीक है, शायद उसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगी, इस तरह कुछ उससे छोटे हैं, परचेज है, सेल है, कुछ ऐसे भी लेजर आपके पास आए हैं जिसमें सिर्फ एक ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो बैलेंसिंग सब की करनी है। बैलेंसिंग का तरीका क्या है, जैसे एक मैं लेजर को फिक्टिशियस बना रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से उसको बैलेंस करना है। मिसाल के तौर पे ये कैश का बैलेंस लेजर, अब आप कैश की कुछ डेबिट ट्रांजेक्शन होंगी, कुछ क्रेडिट, मैं ट्रांजेक्शन लिख रहा सिर्फ अमाउंट्स लिख रहा हूँ बैलेंसिंग समझाने के लिए। ठीक है, मुझे अमाउंट से बैलेंस निकालना है। सपोज यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन डेबिट साइड पे लिख देते हैं 70,000, 15, 9, 11, 23, 18, 16, 14, 10 और 6, ये यहां तक ट्रांजेक्शन, वैसे तो आपका रजिस्टर भी पड़ा होगा। अच्छा, आप बैलेंस करने का तरीका क्या है, इसकी कौन सी साइड ज्यादा होगी? क्रेडिट इसलिए ज्यादा है कि 6 ट्रांजेक्शन है और डेबिट इसलिए कम है कि, तो आपसे बड़ा बेवकूफी कोई नहीं। अल्लाह के बंदो, कैश क्या है? बाय नेचर, बाय नेचर एसेट। एसेट क्या होता है? डेबिट। ये हो ही नहीं सकता कि इसका बैलेंस क्रेडिट हो जाए। आपके पास कैश ही नहीं है, आप स्पेंडिंग कहां से करेंगे? आपकी जेब में 10 रुपए है, मैं कहता हूं 15 रुपए खर्च करके दिखा दो, कर सकते हो? पहले सोर्स ऑफ इनफ्लो लाओगे ना, चाहे लोन लो या जो भी लो, कैश आएगा तो फिर स्पेंड करोगे ना। तो इसलिए हमेशा बैलेंस करते वक्त आप इसको चेक करो, ये लेजर अगर एसेट है तो एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट ज्यादा, अगर लेजर मैं बना रहा हूँ लाइबिलिटी का, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ज्यादा। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कुछ नहीं करते आप, नंबर इसमें जो अमाउंट आप टोटल करेंगे ज्यादा होगा। अब बैलेंस करने का तरीका ये है कि जो इसका बैलेंस डेबिट है ना, इसका अंडरस्टूड है इसका डेबिट साइड ज्यादा होगी। मैं डेबिट साइड को टोटल कर देता, एक लाइन यहाँ छोड़ दिया, यानी यहाँ एक लाइन छोड़ कर करता, ठीक है, ये टोटल जो करना है, जो ट्रांजेक्शन किए हैं, जो जहां पर ज्यादा ट्रांजेक्शन है वहां से एक लाइन छोड़ दें, तो उसके नीचे एक लाइन लगाए, वही लाइन दूसरी साइड पर लगा बैलेंस करना, इसको टोटल कर, ये टोटल आ रहा है 105। ठीक है, इसी टोटल को मैं यहां लिख देता हूं 105,000। हालांकि आई न्यू द फैक्ट अगेन, इसका टोटल 105 नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे भी मालूम है नहीं आ रहा। बैलेंस कर, तराजू उठाया तो तराजू, अब उसमें एक साइड कम है, एक साइड नीचे जा रही है, एक साइड ऊपर है, क्या करोगे बराबर करने के लिए? जो कम साइड है उसमें कुछ ऐड करोगे ताकि वो बैलेंस हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में वाला काम नहीं करना कि जहां ज्यादा उसमें से कुछ उठा लो, समझ आ गए ना बात? सीधा सीधा काम करना, जो असूल है, असूल ये है कि जो सी साइड कम है उस साइड पे कुछ मैं ऐड करूंगा ताकि वो बराबर हो जाए। तो अब मैं जब मैं 105 देखता हूँ, इसका टोटल करता हूँ, तो ये 105 नहीं आ रहा, देखो 23, 18, 41, 41 और 30, 71 और 16, 87, ये 87 आ रहा है, और यहां कितना है 105। इसमें कितनी अमाउंट मैं लिखूं कि ये 105 बन जाए? 87 में 18 अगर मैं ऐड कर दूं, 18 ऐड कर दूं, तो ऑटोमेटिकली 105 हो जाएगा, ये मेरा क्लाइंट का 18,000 बैलेंस। इसको लिखूंगा यहां इसके सामने बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अब ये मैंने बैलेंस कैरी डाउन लिखा, यानी ये 18,000 का मेरे पास ये मंथ, सपोज ये मंथ एंड हुआ, सपोज तो एक महीने के बाद मेरे पास कितना कैश मौजूद है?
18,000, जब अगला मंथ शुरू होगा तो क्या मेरा बैलेंस कैश बैलेंस जीरो से स्टार्ट करूंगा? नहीं, जो पिछला कैश है वही आगे आएगा ना पहले, फिर उसके बाद मजीद इनफ्लो और आउटफ्लो शुरू होते जाएंगे। तो ये इसीलिए इसी बैलेंस को अगले महीने के स्टार्ट में मैं ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा, ये बैलेंस मैंने किस साइट पे लिखा है? ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये क्रेडिट साइट पे पुट इसलिए किया है कि ये डेबिट साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि डेबिट साइट ज्यादा है और क्रेडिट साइट कम है, उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्रेडिट साइट पे लिखा। एक असूल अभी से याद रखिएगा, जहां बैलेंस सीडी याद है, सीडी को हम क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं। यहां सी का मतलब क्लोजिंग नहीं है, कैरी डाउन, यानी वो बैलेंस जो इसका इसका एंड का बैलेंस है, जो कैरी डाउन करना है हमने आगे लेकर जाना है, ठीक है। अगर जहां पर कैरी डाउन बैलेंस आ जाए और ये डेबिट साइड पे लिखा हो तो वो डेबिट बैलेंस नहीं है, वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है। और अगर वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो वो क्रेडिट बैलेंस नहीं है, वो हमारा डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अब यही बैलेंस जब अगला महीना शुरू होगा, जो भी डेट अगले महीने की आएगी उसमें ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जिसको मैं लिखूंगा बैलेंस पीडी 18,000 ब्रॉट डाउन। यानी ये जब मंथ स्टार्ट हुआ तो मेरे पास कितने पैसे मौजूद थे, कैश कितना मौजूद था 18,000 का, अब अगले महीने की ट्रांजैक्शंस शुरू हो जाए। ये हर पीरियड एंड पे जाकर हम इसको बैलेंस करते, ठीक है जी। ये पहला लेजर मैंने आपके साथ बैलेंस किया, लेट्स स्टार्ट द बैलेंसिंग जो आपने की हुई। स्टार्ट करो कैश का लेजर जो आप लोगों ने बनाया है, पहले बैलेंस करो और मुझे जवाब बताओ ताकि मैं देख सकूं कि सबका आंसर सेम है या फर्क आ रहा है। 30 ट्रांजैक्शंस के बाद जो आपने लेजर बनाया हुआ है उसको बैलेंस करो। लेजर नहीं बनाया हुआ आपने, आप क्या कर रहे हो, लेजर की जरूरत। अच्छा, तो बैलेंस करो ना, पीछे जनरल क्यों खोल रहे हो, नजर बड़ी तेज है मेरी, बच के रहना है, रोजों में वैसे तेज हो जाती है। हाँ जी, क्या मसला आपको, आपका किधर अपना लेजर, साथ कीड़ा तो नहीं देखता यार, सीधा देखता हूं। जी ऑनलाइन वाला आप भी बैलेंस स्टार्ट कर दो। पहला लेजर कैश क्या है, पहले कैश को बैलेंस करो। जी क्या मसला आपका, फर्स्ट डे, क्या नाम है, अक्सर, पूरा नाम अक्सर शबीर। अच्छा, पहले किया हुआ है, एफएससी की हुई है या आईसीएस, अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अकाउंटिंग इशू आ रहा है, जो लेट ज्वाइनर है, खासतौर पे आप हैं और स्टार्ट में ज्वाइन किया है, एक प्रॉब्लम आ रही है आई कॉम। अच्छा, फिर तो माशाल्लाह काउंटिंग का सत्यानाश हुआ हो, जितनी वर्स्ट अकाउंटिंग हमारी पढ़ाई जाती है ना, आई कॉम और बी कॉम, और ये जो सेल अफजल की किताब लगाई हुई है, सो छापा मारा हुआ सारा, ये
मेरा सीनियर होता था एलए कॉलेज में, वो एम कॉम में था तो मैं बी कॉम में, इसको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैं भी निकम्मा होता था, वो भी निकम्मा होता था, सारा दिन बैठे रहते थे जमात के दफ्तर में, लड़ाई झगड़ा। निकम्मे लोग ब्लैंड में टीचर बन जाते हैं हमारे। जी हो गया? यस सर। क्या बैलेंस आ रहा है आपका? बैलेंस बताइए। टाइम लेते हो भाई, 2591 00। देखिए एक आंसर आया सामने, अब आप बताइए आप लोगों का क्या आ रहा है? बैलेंस है। हाँ हाँ मैं बैलेंस लिख रहा हूँ, पहले तो आंसर लिख गया सर। 1 1 9 1 0 0 1 1 9 1 0 0 अल्लाह सर, सेकंड ऑप्शन आ रहे हैं। सेकंड ऑप्शन आ रहा है ये सर, हमारा भी वही है जी। सेकंड ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट गलत है। अब क्या आ रहा है अली? 94,100। असाइनमेंट मुझे दो, मैं बोलता जाता हूँ, चेक करो, डेबिट और क्रेडिट चेक करते जाओ, अभी हो जाता है। डेबिट साइड पे टिक लगाता जाना, डेबिट साइड पे 400,000, बल्कि मैं यहाँ ना ऐसे रफ में लिखता जाता हूँ, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड 400,000, 20,000 ये क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा आपके, फिर 20,000 क्रेडिट साइड पे, 200,000 डेबिट, 110,000 क्रेडिट, 200,000 क्रेडिट, 10,000 क्रेडिट, 20,000 क्रेडिट, 60,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट, 22,000 क्रेडिट, 15,000 क्रेडिट, 10,000 क्रेडिट, 20,000 में से अगली अमाउंट कितनी है? 20,000 वाली 38,400, ठीक है, वो डिस्काउंट वगैरह कैलकुलेट करना है, इसमें ऐसी अमाउंट आपसे पूछ लूंगा। उसके बाद फिर क्रेडिट हो रहा है 72,000,
7000 क्रेडिट, वन ट्रांजेक्शन रह गई, 18000 क्रेडिट, ₹66,500 डेबिट, और नेक्स्ट 25,000 डेबिट, और लास्ट ट्रांजैक्शन में नहीं, बस यही, ठीक है जी। ये सारी ट्रांजैक्शन है, इसके बाद आप बैलेंस कीजिएगा। अब आप ट्रांजैक्शन चेक कर लें और उसके बाद देखें बैलेंस क्या है, जिसकी मिस्टेक है वो तो सामने आ जाएगी। जिसका आंसर ये कह रहे थे सेकंड है 11910, उनकी ट्रांजेक्शन सारी यही है, तो बस ठीक है, यही आंसर। यस सर। हाँ बस यही आंसर है, 11910 बैलेंस कैरी डाउन लिख देगा, बैलेंस कैरी डाउन 11910, ठीक हो गया जी। अच्छा इसी तरह अब जरा सुनते जाइए, ये होता जाएगा, ये आप लंबिया प्रोसेस सारे क्लास में नहीं कर सकते, एक अगर मैं आपने सामने करवाना था चेक करने के लिए, क्योंकि कैश ही मेजर लेजर है। अब इसके बाद आप तमाम लेजर्स को बैलेंस करना शुरू कर, कुछ के बैलेंस डेबिट साइट पे लिखे जाएंगे जो कि असल में क्रेडिट बैलेंस होंगे, और कुछ के जैसे अभी मैंने एक लिखा कैश का, ये क्रेडिट साइट पे लिखे जाएंगे जो असल में रिप्रेजेंट इसको कर रहा है डेबिट बैलेंस। इससे अगला फिर स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप इज द एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्टिंग, अब ये बैलेंस जाएंगे कहां, अगली स्टेटमेंट लिखिए ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी होती है छोटी सी स्टेटमेंट है ट्रायल बैलेंस, और इस पे एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, आप सुनिएगा ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्जामिनर हरकत क्या कर रहा है, वो कहता है विदाउट यूज ऑफ लेजर्स, जनरल एंट्रीज दी हुई है, कहता है लेजर नहीं बनाने आपको, विदाउट प्रिपरेशन ऑफ लेजर सीधा ट्रायल बैलेंस, और इट इज कंपैरेटिवली इजी। लेकिन यह तब इजी होगा जब आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे, प्लस माइनस सीख सकते हो। मसलन देखो जो डेबिट एंट्री में डेबिट लिख रहा हूँ वो प्लस हो रही है, और जो डेबिट में क्रेडिट लिख रहा हूँ वो माइनस हो रही है, जब ये एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट का, तो आप इजीली प्लस माइनस कर सकते हो। खैर वो अगले स्टेप पे सीखना, अभी तो मैंने उसको छेड़ना भी नहीं, अभी तो सिंपल ट्रायल बैलेंस में आई है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा आसान सी, अभी सिंपल सी वर्डिंग लिखो, इट इज अ स्टेटमेंट in which balances of ledgers were extracted, balances of ledgers extracted at period end, period end, जैसे एक period end होता है, जैसे एक month complete हुआ, अब एक महीने के बाद मैंने ट्रायल बैलेंस बना है, ठीक है। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, पर्पसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस टू टाइम, ये टू मार्क्स का क्वेश्चन होता है पर्पसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। इस पर्पसेस को हम टू फोल्ड पर्पसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसके दो पर्पस होते हैं, टू फोल्ड पर्पसेस। लिखिएगा फर्स्ट टू फोल्ड पर्पसेस, फर्स्ट इट चेक्स द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोसेस, इट चेक्स द अर्थमेटिक एक्यूरेसी
बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रोसेस। अच्छा यहाँ जरा एक चीज बड़ी जरूरी है समझना, यहाँ मैंने कहीं ये नहीं लिखवाया कि ट्रायल बैलेंस से हम ये चेक करेंगे कि हमारा अकाउंट यानी हमारी कोई एरर नहीं है। इससे अर्थमेटिक एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस है फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू पोस्टिंग एंड पोस्टिंग टू बैलेंसिंग एंड बैलेंसिंग टू एक्सट्रैक्टिंग, जो बैलेंस आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहां तक आप बिल्कुल डेबिट साइड पे ला रहे हैं और क्रेडिट क्रेडिट पे ला रहे हैं, लेकिन इसमें अब भी एरर होने के चांसेस है। वो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर नंबर 11 के कौन सी एरर्स होती हैं और उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा और कैसे हम इसको करेक्ट करेंगे, उसकी डिस्कशन अभी नहीं कर रहा। लेकिन इतनी बात याद रखिएगा इसका हरगिज मतलब नहीं है अगर मेरी डेबिट और क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की इक्वल आ रही है, इसका मतलब है कि मैं इस पर्पस को फुलफिल कर रहा हूं, यानी इस पर्पस को फुलफिल कर रही है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी बता रही है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। शुरू से ड्युअलिटी कांसेप्ट पढ़ाता आ रहा हूं पहले दिन से और क्या बताया कि डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, चाहे वो कहीं पर भी चले जाओ बैलेंस आपका इक्वल ही आएगा। जनरल एंट्री लेजर्स में भी आप डेबिट और क्रेडिट पोस्ट करते हो उसके बैलेंस आते हो तो वो भी डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए। इसका ये मीनिंग है कि डेबिट साइड पे पोस्ट हुई क्रेडिट साइड पे पोस्ट हुई। लेकिन अगर एक डेबिट साइड अमाउंट एक लेजर की बजाय दूसरा लेजर में डेबिट कर दो तो आंसर तो तब भी डेबिट ही रहेगा, लेकिन मिस्टेक तो हो गई ना। मसलन मैंने डेबिट करना था सैलरीज में, गलती से कर दिया डेबिट सेल्स में, क्योंकि लिखा ऐसे होता है ना शुरू में आप बच्चे हो चलना सीखते हो तो होता क्या है वो SAL देकर कहते यही शायद अकाउंट है जल्दबाजी में तो कर जाते हैं। हालांकि उसका ये भी दिमाग में आ रहा है कि सेल्स डेबिट नहीं हो सकती वो रेवेन्यू है, लेकिन बार हो जाता है। तो इस किस्म की एरर से ट्रायल बनाओगे ट्रायल तो तब भी टैली होगा, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि करेक्शन है, ठीक है। तो बहरहाल अर्थमेटिक एक्यूरेसी नंबर 2 लिखिए, इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी इस ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी मदद से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकूं। चैप्टर नंबर 12 जब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा वो ट्रायल बैलेंस होगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस आपने स्टेटमेंट्स बनाने, तो वो एक फ्रेमवर्क होता है जिसकी मदद से आप बना सकते हैं। इसको टू फोल्ड पर्पसेस का नाम देंगे, ठीक है जी। अब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देख लो, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है ट्रायल का। नेम ऑफ द कंपनी, ये असूल याद रख लो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके मार्क्स होते हैं। जब भी कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है कोई भी स्टेटमेंट शुरू करनी है आपने, उस सबसे पहले ऊपर नेम ऑफ कंपनी आता है जो भी उसने क्वेश्चन में दिया। नेम है मिस्टर का है तो मिस्टर लिख दो, क्योंकि सोल ट्रेडरशिप में नाम अक्सर कम बिजनेस की बजाय पर्सन का दिया होता है आप वो लिख दो। सेकंड में लिखोगे स्टेटमेंट, जो भी नेम ऑफ स्टेटमेंट जो भी बना रहे हो, यहां क्या बना रहे हैं हम ट्रायल बैलेंस, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई। तीसरा हम क्या बना रहे हैं डेट, जिस डेट की बना रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस होता है वो एज एट होता है। एज एट का मतलब क्या है, एज एट का मतलब आज तक का स्टेटस उसको हम ट्रायल बैलेंस उसको डेट देंगे। मिसाल के तौर पर वैसे ही डेट डाल रहा हूं 31st March 2021, आपने ये डेट तो ऑब्वियसली नहीं डालेंगे, जो आखिरी ट्रांजेक्शन गुजरी है ना आपकी उसमें डेट लिखी हुई है वही डेट लिख दो, 30th की जो ट्रांजेक्शन में डेट आ गई। अब इसको आप ट्रायल बैलेंस में से 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला हेड ऑफ अकाउंट, ये जितने लेजर्स बनाए हैं
जिस जिस चीज के लेजर बनाए वो सारे हेड ऑफ अकाउंट्स ही तो हैं। कैश का लेजर आपने बनाया, कैपिटल का लेजर आपने बनाया, परचेजेस का कैपिटल आप लेजर आपने बनाया, सेल्स बनाया, यूटिलिटी एक्सपेंस, फर्नीचर, एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन, बेशुमार लेजर बनाया, 15 से 20 लेजर तो आपने बनाए होंगे, ठीक है। वो तमाम लेजर्स के जो नेम है वो हेड ऑफ अकाउंट्स होंगे। उसके बाद यहाँ दो कॉलम आएंगे, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस इन रुपीस। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इन रुपीस। अब ये बैलेंस कैसे लिख रहे हैं, जैसे कैश का लेजर आपने बनाया, मैंने सामने डिस्कस किया, मैं यहां लिखूंगा कैश। अब कैश का जो बैलेंस आ रहा है वो किस साइड पे लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पे, लेकिन वो क्रेडिट बैलेंस नहीं है, वो डेबिट बैलेंस है। आप यहां पर क्रेडिट नहीं लिखोगे, एक्सट्रैक्शन के वक्त आप उसको प्रॉपर लिखोगे जो उसका असल बैलेंस है। दूसरा तरीका जो होता है बीडी बैलेंस उठाओ, बीडी डेबिट साइड पे आ, सीडी क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो बीडी से उठा लो। लेकिन कई दफा एग्जामिनर जो क्वेश्चन देता है वो लेजर्स बना के कहता है ट्रायल बैलेंस उठाओ, तो वहां पर वो बीडी नहीं दे रहा होता, सीडी दे रहा होगा। जैसे मर्जी कर, कोई फर्क नहीं है। अगर सीडी बैलेंस उठाओगे तो वो ऑपोजिट साइड पे लिखना है यहाँ, और अगर बीडी बैलेंस उठाओगे तो सेम लिखना, बस इतना फर्क याद रख लो। तो लिहाजा कैश का बैलेंस क्या निकाला था आपने, मैंने अरेज कर दिया, 1 1 9 1 0। Excuse me sir. जी जी सर, ये प्लीज सीडी और बीडी का दोबारा से बता दें, ये ट्रायल बैलेंस में हम कैसे लिखेंगे। मैं दोबारा बोल देता हूँ, जो ट्रायल किसी भी लेजर में अगर बैलेंस सीडी आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब होता है ये क्लोजिंग बैलेंस है, और बैलेंस करने के लिए आप ऑपोजिट साइड पे लिखते हो। अगर ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, अगर ये डेबिट साइड पे है तो इट रिप्रेजेंट क्रेडिट बैलेंस, और अगर ये क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो ये इट रिप्रेजेंट डेबिट बैलेंस। क्योंकि बैलेंस सर वहां से बोर्ड नजर नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, बैलेंस सीडी अगर तो लिखा हुआ आपका डेबिट साइड पे आ रहा है, लेजर की डेबिट साइड पे आ रहा है, तो डेबिट साइड पे कब आएगा, जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी और डेबिट साइड कम होगी। तो ये कौन सा बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रेडिट को, यानी ये क्रेडिट बैलेंस। और जब आप ट्रायल बैलेंस में आओगे तो इसको किस साइड पे लिखोगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि असल बैलेंस ये डेबिट नहीं है, बैलेंस क्या है, क्रेडिट। इसी तरह अगर बैलेंस सीडी मेरा क्रेडिट साइड पे आ रहा है, जैसे अभी कैश के लेजर में आपका आ रहा है क्रेडिट साइड पे, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डेबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिहाजा किस साइड पे लिखूंगा, डेबिट साइड, ठीक है। और अगर मैं बीडी उठा रहा हूं, बीडी बैलेंस होता तो सेम है ना, बीडी और सीडी, जो आप उसी बैलेंस को आगे लेके जा रहे हो, ओपनिंग बीडी ना उठा लेना, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस जो अगले महीने का ओपनिंग होगा, इसलिए हम मैं रिकमेंड करूंगा सीडी को ही रखो, सेम बीडी से मिस्टेक हो सकती है ना, अगर वो ओपनिंग बैलेंस को कई बार लेजर बीडी से स्टार्ट करते हैं फिर मजीद ट्रांजेक्शन आती है, वो वाला बीडी ना उठा लेना, वो पिछले पीरियड का, ठीक है। तो इसलिए मिस्टेक होने के इसमें चांस रहते हैं, तो लेकिन बार बार फिर भी मैं समझा देता हूँ, बैलेंस बीडी जो ट्रांसफर किया है वो डेबिट साइड पे लिखा हुआ होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेबिट बैलेंस को, और अगर क्रेडिट साइड पे लिखा होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्रेडिट साइड, बस इतनी सी बात। जी शाह समझ आई आपको, यस सर थैंक यू। ओके जी, तो अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क ये तो मैंने बना दिया ना आपके सामने, फॉर्मेट बना दिया, अब इसको कंटिन्यू करना है। जितने लेजर्स आपने बनाए हैं सबको बैलेंस करते जाओ, कुछ के बैलेंस डेबिट साइड पे आएंगे,
उसके बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएंगे, जो बैलेंस होंगे वो सारे के सारे इसी ट्रायल बैलेंस में ले आओ। समझ आ गई बात? अगर कोई ऐसा लेजर आता है जिसका बैलेंस जीरो है, जीरो बैलेंस कब होगा? जब किसी लेजर की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एग्जैक्टली इक्वल है, उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बिल्कुल इक्वल है, तो उसका बैलेंस है ही नहीं। ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है ट्रायल बैलेंस में, जिसका बैलेंस जीरो। तो बैलेंस का मतलब है, अभी मैंने आपको डेफिनेशन भी एक वर्ड लिखवाया, इट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, इन विच द बैलेंसेस ऑफ लेजर्स आर एक्सपेक्टेड। बैलेंसेस, अगर एक का बैलेंस ही जीरो है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो जिसके बैलेंस होंगे उसको एक्सपेक्ट करना है, जिसके बैलेंस नहीं होंगे वो एक्सपेक्ट हो ही नहीं सकता। तो बाहर जब ये सारे बैलेंसेस आप ले आओगे, एंड पे आप इसको टोटल करोगे, तो इंशाल्लाह ये टोटल आप लोगों में से 80% स्टूडेंट का टैली नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है ना, क्योंकि शुरू में होगा ना, मुझे पता है। और अगर कर गए हो तो ये तो मेरी तो क्लास से ऊपर चला गया माशाल्लाह, मेरे तो मुझे दाद देनी पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इतने लोगों का इक्वल नहीं आया, उसको भी बैलेंस करेंगे। एक ट्रांजेक्शन है तो फिर कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पे कौन सा है बैलेंस बोलिएगा? कैपिटल। कैपिटल में एक ही ट्रांजेक्शन है, जनरल कैपिटल का लेजर आप लोगों ने बनाया हुआ है। अच्छा, कैपिटल का लेजर में एक अमाउंट नहीं, वैसे दो अमाउंट है। देखो, ट्रांजेक्शन एक है, जो भी डेट है आपने डाली वो डेट मैंने लिख रहा। ऑपोजिट अकाउंट जब पोस्टिंग करोगे जनरल से, आपके सामने जनरल जनरल मौजूद है, मेरे सामने नहीं भी है तो, लेकिन मैंने देख लिया दिमाग में है मेरे। तो आप एंट्री थी कैश डेबिट, मोटर व्हीकल्स या कार डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अब जब मैं कैपिटल साइड पे पोस्ट करूंगा तो कैपिटल क्रेडिट है ना एंट्री में, तो क्रेडिट साइड पे पोस्ट करूंगा। ऑपोजिट अकाउंट कौन से हैं? दो हैं, दोनों लिखोगे। कौन कौन सा? एक कैश और एक कैपिटल, सॉरी कैश और बैंक लिख दो, चलो मुख्तसर लिख दो, जो भी आपने यूज किया हो ना वो यूज करना। व्हीकल यूज किया व्हीकल कर लेना, कार यूज किया कार कर लेना, डजंट मैटर। अच्छा, अब अमाउंट कैपिटल वाली लिखनी है, कैपिटल के सामने अमाउंट आ रही है 700,000। अब ये 700,000 कैसे लिखूं? ये दोनों अमाउंट उठा लूंगा तो 700,000 ही है, यानी कैश की 400,000 और वैन 300,000। इसके अलावा 29 ट्रांजैक्शन का कोई कैपिटल की ट्रांजैक्शन नहीं आ रहा। अब आप क्या करोगे? इसको बैलेंस कर दोगे, यानी इस साइड को टोटल किया, ये ज्यादा यानी हैवियर साइड है 700,000, यही 700,000 यहां लिख दिया। अब ऊपर तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो बताओ बैलेंस क्या बनेगा? सेम बनेगा 700,000। इसको लिखूंगा बैलेंस कैरी डाउन सीडी, और यही बैलेंस पीडी हो जाएगा। अब जिस वक्त मैं इसको ट्रायल बैलेंस में एक्सट्रैक्ट करता हूं, जैसे मैंने कहा था मैं सीडी से ही एक्सट्रैक्ट करूंगा, अब यहां लिखता हूं दूसरा है कैपिटल। अब कैपिटल का जो बैलेंस है 700,000 किस साइड पे आ रहा है? शाबाश, डेबिट साइड पे, बट इट डज नॉट रिप्रेजेंट डेबिट बैलेंस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस को। तो इसको मैं यहां पर क्रेडिट साइड पर पुट करूंगा 700,000। अब आप देख लो कि सिर्फ दो लेजर आपके सामने डिस्कस किए, सारे लेजर बनाते चले जाओगे, कुछ का बैलेंस डेबिट आ रहा होगा और कुछ का बैलेंस क्रेडिट आ रहा होगा। अल्टीमेटली जब सम करोगे, सम ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ, ठीक हो गया? बस क्लास का टाइम लगा, अगली क्लास होगी।